आई। तो देखो रिवर बोट प्रॉब्लम में हमने क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ही जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम सॉल्व होती है वैसे ही रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है, एक बंदर रिवर पा सॉरी एक बोट को हम लेके जाते हैं एक छोर से नदी के दूसरे छोर तक, तो वो रिवर बोट प्रॉब्लम है। और रिवर स्विमर प्रॉब्लम में क्या होगा कोई बता सकता है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम में क्या क्या होता होगा, रिवर के अंदर कौन होगा सर? सर हाँ तैर रहा बंदा होगा, कोई बंदा क्या कर रहा होगा, ऐसा तैर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है सबको, यस है ना, ये सब अभी हम बेसिक से बात करेंगे। मैं सिर्फ अभी ओवरव्यू दूंगा आज, और जितना हो सके सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे। आज का हमारा फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग होगा हमारा फोकस नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, लेकिन सर समझेंगे उसको क्वेश्चन के थ्रू ही, लेकिन आज के लेक्चर में ये नोट करना ये क्वेश्चन होगा या नहीं, जेई के जो लेवल के क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, आज सिर्फ समझने वाले हैं। आइए देखो थोड़ा थोड़ा देखते हैं, जितना समझ में आता है उतना समझेंगे, सिर्फ दो दो लेक्चर लगाने ही है हमने इस पे। ये देखो ये मैन स्विम कर रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है, ये किसकी यू किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर रिवर, रिवर। देखो दो तरह की चीज पढ़ोगे तुम यहाँ पर, एक पढ़ोगे डाउन स्ट्रीम, आगे मैं दिखाऊंगा अभी सही, एक होता है अपर अप स्पीड स्ट्रीम। पढ़ा भी होगा तुमने मैथ्स में, ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते थे 10th लेवल पर, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम देखे होंगे मैथ के अंदर, नहीं देखे? नो सर चल हाँ, चाहे नो बोल दिया करो लेकिन बोला करो कुछ। तो देखो ये क्या होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो रहा है जो स्विमर जो तैर रहा है वो बिल्कुल किसकी डायरेक्शन में तैर रहा है, रिवर की डायरेक्शन, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है। सेम और अपस्ट्रीम क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट या अपोजिट बोलते, एक अगर रिवर का फ्लो इस तरफ है और मैन इस तरफ जा रहा है तो उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम, लेकिन दोनों का सेम है तो क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और इसको अभी मैं हटा भी दूंगा क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ध्यान से देखना वेलोसिटी ऑफ द, ये सब तुमको पहले से ही पता है, वी आर जी पढ़ना आता है ना सबको, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ग्राउंड। हाँ ग्राउंड जितना बोलोगे उतना समझ में आएगा, बोलते रहो बोलते रहना, शांत कोई नहीं बैठेगा, सबने अपने माइक ऑन करके बोलना है। वी एम आर क्या है, वेलोसिटी रिस्पेक्ट वेलोसिटी टू रिवर, ठीक है। विद अच्छा वी एम आर को कभी कभी हम ये भी लिखेंगे स्टिल वॉटर, स्टिल वॉटर मतलब जब वॉटर की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जीरो अच्छा वी एम जी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड तो सर हमने रिवर मैन प्रॉब्लम में भी पढ़ लिया, रेन मैन प्रॉब्लम में भी पढ़ लिया। यस अब यहां पर बात करेंगे ध्यान से, तुम सबको पता है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, अभी मैंने बताया डाउन स्ट्रीम क्या होता है बच्चों, सेम डायरेक्शन तो अगर मैं बोल दूं डाउन स्ट्रीम, यहीं पर मैं बोल दूं डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है यस ना, डाउन मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है। मैं सर जो भी वेलोसिटी की चेक कर रहा हूँ अभी फिलहाल वो देख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या निकालने वाला हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू। ग्राउंड तो देखना ग्राउंड चलो मेरे को ये नहीं पता लेकिन मेरे को इतना तो पता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर निकालनी हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ माइनस यही तो थे ना, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस फॉर्मूले से किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सर अच्छा मैन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में मेरे को नहीं पता कितनी, मान लो वी है या जो भी है हमने भी नहीं पता, ठीक है ये निकालना, लेकिन मेरे को अगर एम जी निकालना है वी एम जी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा उसका, वी एम आर प्लस माइनस एम यस प्लस ये माइनस मान जाएगा प्लस वी आर जी, आर जी यही होगा क्या, नहीं यही होगा होगा क्या, तो भी यही यस सर क्या, यही नहीं लिखा, देखो यही नहीं लिखा हुआ,
अभी ध्यान से देखना, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ रहा है? जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता उसीलिए मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 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 दोनों में ग्राउंड होता है ना, ये देखो वी एम माइनस वी आर, लेकिन ये किसी के रिस्पेक्ट में होगा, दोनों ग्राउंड के। तो वी एम जी की वैल्यू तुम निकाल सकते हो आराम से, लेकिन ये याद रखना ये सम कैसा सम है, वेक्टर सम। कैसा सम होगा? वेक्टर सम। समझ में आती है ना इतनी बात? ये सम कैसा वैसा है बच्चे? वेक्टर सम है। हाँ मतलब पहले इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी फिर ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए मैन मैन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर? वी। तो यहां पर क्या लिख दू? वी। अच्छा रिवर किससे मूव कर रही है? यू वेलोसिटी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यू वेलोसिटी से। दोनों की डायरेक्शन क्या है? वीएमआर कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? पॉजिटिव एक्स को क्या लिखता हूँ? प्लस आई कैप। और वीआरजी क्या होगा, वो कैसी है देखना? पॉजिटिव। ये भी क्या होगा? आई कैप। यू आई कैप। इसको क्या लिख सकता हूँ? वी प्लस यू आई। ये तब की बात है, ये क्या आया है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू क्या आया ये? ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया है जब कैसे चल रहा है वो, डाउन स्ट्रीम। मतलब सर बिल्कुल किसी डायरेक्शन में चल रहा है, रिवर की डायरेक्शन में वो स्विम कर रहा है, तो मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब अगर कोई बंदा ग्राउंड पर खड़ा है तो वो मैन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको क्या दिखेगी मैन की वेलोसिटी? v प्लस यू आई कैप। इसका शॉर्टकट क्या है? सिंपल सर, सिंपल। सिंपल क्या है सर? v प्लस यू आई कैप, सिंपल। क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों को सीधा ही क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। दोनों को सीधा ही क्या कर दिया हमने, ऐड की वेलोसिटी ली रिवर के रिस्पेक्ट में और रिवर के लिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों को ऐड कर दिया बस, क्योंकि सेम स्पीड सेम डायरेक्शन थी। केस कैसा था? डाउन स्ट्रीम, मतलब तो ऐसे केस में अगर तुमसे पूछे तो दोनों वेलोसिटी को, दोनों वेलोसिटी किस किस को सर? वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर है ना सबको? ये कौन है भाई? कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस। कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस कौन हो बच्चे आप? आपका नाम पता है आप? अटेंडेंस में क्या डाले आपका नाम? करिश्मा। ठीक है करिश्मा, ठीक। क्योंकि ट्रैकिंग में आएगा ना फिर, तो जो भी दूसरे नंबर से आता है ना, दूसरे आईडी से, तो सबका नाम बता दिया करो, क्योंकि फिर ट्रैकिंग में दिक्कत होती है, आपके अटेंडेंस नहीं लगेगी उस दिन। जैसे अभी एक और बच्चे, हाँ सैजल तुम्हारा पता लग गया था ना मुझे, इसलिए मैंने सबसे पहले पूछा। ठीक है बच्चे आओ यहाँ तक देखते हैं। तो सीधा इसकी वेलोसिटी को क्या कर देना है सर? ऐड कर देना, और दोनों आई डायरेक्शन में थी तो आई कैप आई कैप। अगर अब इसमें ध्यान से देखना कितना डिस्टेंस फ्लो किया है, डी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस फ्लो किया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैसे नॉर्मल कितना डिस्टेंस फ्लो किया है, डी। और वो डी डिस्टेंस भी कौन सी डायरेक्शन में है? ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट वो कौन सी डायरेक्शन में है, देखो एक्स में है, एक्स में ही उसने ट्रेवल किया है सर, एक्स में ही ट्रेवल किया। और एक्स की वेलोसिटी कितनी है मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी है? v plus u, ये उसकी वेलोसिटी होगी। तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट d है, वेलोसिटी कितनी है उसकी v plus u? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो की है d, टाइम लगा अगर t है ना, तो वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी कितनी है इसके पास? v प्लस कितनी है वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, कितनी है बच्चे? v प्लस u, बोलो ना फिर, v प्लस u। तो यहां से टाइम क्या आ गया बच्चे?
टाइम इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय वी प्लस यू, कितने टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर लेगा, चेक कर लो, देखो दिख रहे हैं क्रॉस कर देगा, मतलब कहां तक क्रॉस कर लेगा, कितने डिस्टेंस तक, डी डिस्टेंस, अगर डी डिस्टेंस बढ़ा तो चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस केस में क्या ध्यान रखना है मेरे को, इस केस में मेरे को ये ध्यान रखना है जो भी स्विमिंग कर रहा है तो उसकी जो मैं फॉर्मूला तो सिंपल ये लगाना है मेरे को, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है डी, टाइम मान लो टी है, वेलोसिटी कौन सी लेनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड बस ये क्लियर है क्या सबको? अभी क्वेश्चन जो भी करेंगे ना हम इसका नहीं समझेंगे, क्वेश्चन हम समझेंगे बोट वाले का, ये हम थोड़ा बहुत तुम्हें याद दिला देते। अच्छा देखो इसके अंदर ये आ गया, अगर मैं तुमसे सेम केस पूछूं अपस्ट्रीम के लिए तो क्या होगा, तुम खुद बताओ। माइनस, हाँ अपस्ट्रीम में क्या होगा सर, मैन तो ऐसे ही जा रहा है सपोज कर लो, लेकिन रिवर का फ्लो इस बार कैसा है, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन बोले तो सर मान लो इस डायरेक्शन में है, तो अब नेट वेलोसिटी कितनी होगी, वी एम आर की जगह तो वी ही लिखोगे क्योंकि तो वी ही है, लेकिन वी आर जी की जगह आप क्या लिखोगे, यू तो है लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे, माइनस, 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 टाइम में भी क्या आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाय वी माइनस यू, माइनस वो अपस्ट्रीम का केस हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या, नो सर, आराम से हो गया सर, क्लियर है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ये फर्क क्या है अपस्ट्रीम में, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या ले लेना है, माइनस, ये कैसी है सर, अपोजिट। अब ये क्रॉसिंग रिवर वाले क्वेश्चन देखो, ये चीज तो यहाँ तक तो इमेजिन हो जाती है हमें, इसलिए हम इसको सीधा ही याद कर लिया, दिमाग में रख लिया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली। अब क्रॉसिंग रिवर के ऊपर जो चीज आती है ना उसको हमें एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे, आज सिर्फ समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज का हमारा मोटिव क्वेश्चन सोल्विंग नहीं है, क्वेश्चन सोल्विंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज थोड़ा सा समझने हैं। देखो अब बंदा बोट पर बैठ के आ रहा है, ठीक है, वो क्रॉस कर रहा है किसको, रिवर को, अब रिवर क्रॉस करना है उसको, एक छोर से कहां जाना है, दूसरे छोर पर, एक छोर से दूसरे छोर पर जाना है उसको, तो वो नॉर्मल अपना है, चाहे वो अगर वो स्विमर है तो स्विम करेगा, बोट पर है तो वो बोट को ऐसे ऐसे चलाए, मतलब चलाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर तो रिवर है स्टील वाटर की, मतलब उसका पानी का करंट नहीं है, मतलब पानी स्टील है, तैर, मतलब पानी का कुछ वेलोसिटी नहीं है, तो बंदा जैसा जाएगा वैसा ही बाहर निकल जाएगा, अगर सीधा जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, है ना, टेढ़ा जाएगा तो टेढ़ा निकल जाएगा, सपोज करो जिस, हाँ अगर सपोज कर लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो पानी है स्टील, बिल्कुल ऊपर बना ही रखा है पानी वैसे, बिल्कुल स्टील है, तो मतलब मैं ए से जाऊंगा और कहाँ पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल अगर सीधा जाना है मेरे को तो बी पर पहुंच जाऊंगा, सिंपल, अभी पानी को स्टील है, पानी कैसा है, स्टील, स्टील है, पानी क्या है, स्टील, एक सेकेंड रुकना बच्चों, एक सेकेंड,
नहीं आ रही सर की आवाज। सर का माइक ऑफ है। बच्चों कॉल आ गई थी, सॉरी सॉरी, सर की कॉल आ गई थी, लिंक के लिए कुछ कह रहे थे, इसी वजह से। आओ ओके सर। चलो, हम क्या कह रहे थे, अगर वाटर स्टिल है तो वो ए से स्टार्ट कर रहा है और सीधा जाना चाहता है तो बिल्कुल उसके सीधा ही पहुंचेगा, कहां पर, डी बी पॉइंट पर पर पहुंचेगा। लेकिन अगर वाटर भी चल रहा है, सपोज कर लो ये वाटर है, ये चल रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, दिख रही है पानी की, मैं एरो से बता रहा हूँ, इस डायरेक्शन बट है ना, और मैन चल रहा है रेड सर से, मैंने दिखाया। अभी भी मैन क्या चाहता है कि मैं सीधा चलूं, तो ए से चलेगा वो तैरता तैरता, या बोट जो चलेगी ए से कहाँ जाना चाहिए उसको, सीधा बी तक। लेकिन बी पर नहीं ऐसा होगा नहीं, क्यों, हाँ, सर वो पानी के बहाव के साथ चलना चाहिए। पानी के बहाव, जैसे ही वो यहां से चलना लगेगा मैन, तो पानी का बहाव क्या कहेगा, भाई मैं तो इस साइड हूँ, तो वो थोड़ा सा इधर हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और जाने लगा, थोड़ा सा और इधर हो जाएगा, थोड़ा सा और चलने लगा, थोड़ा सा और इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो चला तो वो यहीं से था, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पहुंच जाएगा, बी डैश। क्लियर है क्या सबको, जाना तो वो चाहता था सीधा सीधा अपनी तरफ से, तो वो कैसा तैरेगा, कैसे तैरेगा वो, सीधा बाहर जो बंदा खड़ा होगा उसको क्या लगेगा कि वो कैसा होता है, उसको असली में पता लगेगा कि ये सीधा नहीं तैर रहा, वो कैसा तैर रहा है, टेढ़ा तैर, यस तो ए से बी डैश। क्लियर है क्या सबको, सिमिलरली सर। ऐसा समझो, अब पानी मेरा ऐसा है और लेकिन रिवर का करंट कैसा है, ऐसा, ऐसा। तो अब ए से वो चल रहा है, अभी भी वो क्या चाहता है, मैं कैसे चलूं, सीधा सीधा, क्या पहुंचना कहाँ चाहिए था, सीधा बी पर, लेकिन बी पर नहीं पहुंचेगा, अब कौन सी तरफ से पहुंचेगा, लेफ्ट यहाँ साइड को का बी। क्लियर है ना सब, कैसे क्या हो रहा है, सर। वो चला था ए से, पहुंचना बी पर था, जब ए से बिल्कुल बी पर कब पहुंचेगा वो, जब वो वाटर स्टिल है, अगर सीधा चलना है और सीधा ही निकला है, उसको पहुंचना बिल्कुल अपोजिट छोर पे है, मतलब ए से बिल्कुल अपोजिट कौन है, बी पर पहुंचना है, तो उसको अगर सीधा जाना है तो सीधा ही तैर रहा है, तैर भी सीधा रहा है और उसको पहुंचना भी कैसे है, सीधा ही, तो वो स्टिल पॉसिबल है सिर्फ जब वॉटर कैसा हो, स्टिल, जब वॉटर स्टिल, जब वॉटर का खुद का कुछ करंट ना हो, वॉटर खुद ना चल रहा हो, तब तभी ऐसा होगा कि अगर वो सीधा जाना चाहता है तो उसको सीधा ही तैरना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट वॉटर भी चल रहा है, तो अगर वो सीधा जाना चाहता है तो वो हमेशा कहाँ पहुंचेगा, थोड़ा सा टेढ़ा पहुंचेगा, तो मतलब बी पर पहुंचना था, उसको पहुंचा कहाँ, बी डैश, तो कितना वो ड्रिफ्ट हो गया, वॉटर ने कितना उसको धकेल दिया आगे, ड्रिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं, ये बी से लेकर बी डैश तक की वैल्यू, डिस्टेंस को क्या बोलूंगा, बी से लेकर बी डैश को ड्रिफ्ट, क्या बोलूंगा, ड्रिफ्ट। यहाँ पर ड्रिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, वो राइट में या लेफ्ट में, इस केस में, लेफ्ट इस वाले केस में, इस वाले फर्स्ट राइट में, राइट में ड्रिफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट में, राइट में बोलो, राइट में, क्योंकि जाना सीधा राइट थोड़ा सा राइट चला गया, तो राइट में। अच्छा, इस सेकंड केस में कहाँ ड्रिफ्ट हुआ है, क्लियर लेफ्ट लेफ्ट है क्या सब कुछ यहाँ तक, लेफ्ट यस सर किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। सर चलो फिर आओ आगे चलते हैं। तो अब मेरे को बता सकते हो कि पानी भी सीधा चल, पानी भी चल रहा है इधर राइट की तरफ चल रहा है, मतलब फर्स्ट वाला केस मान लो, ये जो मैंने येलो से फर्स्ट लिखा हुआ वो वाला केस, पानी चल रहा है राइट की तरफ, बंदे को ए से चलना है और कहाँ पहुंचना है, बी पॉइंट पॉइंट पे बी डैश पर नहीं पहुंचना, बिल्कुल अपोजिट पहुंचना है, कहाँ, बी पर, ए से पॉइंट मतलब बिल्कुल सीधा पहुंचना है, तो वो कैसे चले, उसको कैसे तैरना पड़ेगा, या अपनी बोट को कहाँ लेकर जाए वो शुरू से ही, सर बी
लेफ्ट साइड थोड़ा सर, ए से थोड़ा सा लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड, वेरी, क्योंकि तुमको पता है जाते जाते वो थोड़ा सा कौन सी तरफ जा रहा है, हमेशा राइट की तरफ धक्का हो रहा है, कौन सी तरफ धक्का हो रहा है उसको, राइट, तो पहले से ही थोड़ा सा कहां से चले, लेफ्ट से चले, मान लो यहां से चले, तो अब जैसे ही यहां से चलने, इस एंगल पर चले वो थीटा, दिख रहा है, जैसे ही वो थीटा एंगल पर चलेगा बच्चे, अब वॉटर उसको धीरे धीरे पुश करेगा, ड्रिफ्ट करेगा उसको, तो कहां पहुंच जाएगा वो, हो सकता है कि बी पर पहुंच जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो पक्की बात है, चांसेस पूरे हैं कि वो बी तक पहुंच जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से धक्का मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ, फिर थोड़ा सा यहाँ, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात, वो ए से पहुंचना कहाँ चाहता था, बी, और वो पहुंचा भी कहाँ, बी पर, तो अब इस केस में ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो, समझ में आ रहा है क्या, अब ये मत कहना, मैं ध्यान से सुनना, ड्रिफ्ट एक तो चीज होती है कि डिस्टेंस, वॉटर ने उसको कितना धकेला ऐसा भी बोल देते हैं ड्रिफ्ट, लेकिन एक्चुअल ड्रिफ्ट होता है कि वो जैसा जाना चाहता था उससे कितना पास या कितना दूर गया, अब वो जाना कहाँ चाहता था, हमारे अब केस में जो पहले से थोड़ा सा लेफ्ट चल रहा है, वो जाना कहाँ चाहता था, ए से बी पॉइंट, और लास्ट में पहुंचा भी कहाँ, बी पॉइंट, क्या ड्रिफ्ट हुआ कुछ, नो सर, समझ में आ रहा है क्या, तो yes, कोई ड्रिफ्ट नहीं, लेकिन फर्स्ट अगर वो सीधा चलता तो वो जाना चाहता था बी पर, लेकिन पहुंचा कहाँ पर, बी डैश पे, तो ड्रिफ्ट हुआ क्या, यस सर, बी बी डैश ड्रिफ्ट हुआ, हाँ, लेकिन इसमें अगर ऐसे पूछ लेता, मान लो कि वोटर ने उसको कितना धकेला, तो यहाँ पर इतना डिस्टेंस धकेलना बोल सकते, लेकिन वो पूछता नहीं है, वो सिर्फ ड्रिफ्ट ही पूछता है, तो यहाँ तक किसी को, अच्छा इस केस में कहाँ चलना पड़ेगा, सेकंड केस में अगर मेरे को बी पर पहुंचना है, तो थोड़ा सा राइट, राइट चलना पड़ेगा, तो इतने एंगल पर चलोगे तब जाकर कहाँ पहुंचेगा, बी पॉइंट, ये चीजें किसको समझ में आई है, किसको नहीं आई, और जिसको नहीं आई वो दोबारा पूछ लो, क्लियर है सबको, चले आगे, चलो फिर, तो इतना मुझे समझ में आ गया कि कब वो सीधा चलना चाहिए, कब वो टेढ़ा चलना चाहिए, और इन्हीं में ही दो चीजें और पूछी जाती हैं क्वेश्चन में, उसके हम क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं अभी तो नहीं, कि बताओ शॉर्टेस्ट टाइम, क्या शॉर्टेस्ट टाइम, कि वो शॉर्टेस्ट टाइम बताओ जिसमें वो क्रॉस कर दे किसको, रिवर, रिवर को, अब तुम्हें पता है शॉर्टेस्ट टाइम कब लगता है, जब वो कैसा चले, शॉर्टकट, स्ट्रेट, स्ट्रेट चले, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, स्ट्रेट चले, अब ये मेरे को कोई मैटर नहीं करता कि जहां उसको पहुंचना है वहीं पॉइंट पर पहुंचे, ये जरूरी नहीं है, जब उसने बोल दिया ना शॉर्टेस्ट टाइम, तो ये जरूरी नहीं है जहां वो पहुंचना चाहता है वहीं पहुंचे, लेकिन पक्की बात है रिवर क्रॉस हो जानी चाहिए, चाहे वो बी पर पहुंचे, चाहे वो बी डैश पर पहुंचे, तो वो सीधा जाना चाहेगा, बिल्कुल सीधा जाना चाहेगा, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बिल्कुल सीधा जाएगा, और वो कैसे होगा वो हम अभी बात करेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछते हैं कि वो कैसे तैरे, कि कैसा ट्रेवल करे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, समझ में आ रहा है, अभी बात करेंगे इसके ऊपर, आओ, अब ये मैंने तुम्हें सबको बता दिया, अब ये चीजें क्लियर हो रही होंगी तुम्हें, इसके ऊपर तुम अभी मत फंसो, ये टी बाई डी वाई वी क्या है, धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है, अभी देखना चाहो तो हल्का फुल्का देख लो, इतना तो समझ में आ गया होगा, ये बंदा तैरने जा रहा है बी पॉइंट तक, लेकिन पहुंचा कहां पर, बी पर जाना चाहता है, पहुंचा कहां, सी पर, तो ये क्या हो गया, यहां से यहां तक इसका ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है क्या सबको, अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी तुम टाइम पीरियड निकालो, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वेलोसिटीज हो जाएंगी, कोई एक्स में होगी, कोई वाई में होगी, कोई रिजल्टेंट किसी एक एंगल पर होगी, तो टाइम पीरियड निकालोगे, तो टाइम पीरियड तभी, टाइम पीरियड होता है तुम्हारे पास, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो अगर टाइम पीरियड निकाल रहे हो, तुम अगर डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ले रहे हो, तो वेलोसिटी भी किस में लोगे, वाई डायरेक्शन, अगर तुम डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में ले रहे हो, तो वेलोसिटी भी किस में लोगे, एक्स डायरेक्शन, ऐसा मत कर देना कि तुम डिस्प्लेसमेंट तो ले रहे हो एक्स में और वेलोसिटी ले रहे हो वाई की, ये चीज क्या हो जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, इसने पूछा टाइम टेकन बाय द रिवर,
तो इसने डिस्टेंस लिया ये डी, तो ये डी कौन सी डायरेक्शन में है हमारे अकॉर्डिंग, वाई में या एक्स में? देखो वाई में, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी लेंगे, वाई में। तो देखियो यहाँ पर इसलिए क्या लिखा है, वी वाई, क्लियर है ना? ठीक है, और ड्रिफ्ट निकालना, ड्रिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ये वाली एक्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए तुम एक्स लिख रहे हो मतलब हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी भी कौन सी लोगे, हॉरिजॉन्टल, x की जगह क्या आएगा, vy की जगह क्या आएगा, v x, ठीक है। तो याद रखना जिसका डिस्टेंस उसी डायरेक्शन की, जिसका जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में क्या देख रहे हो, वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं टाइम की तो नहीं बोलूंगा ना, टाइम की थोड़ी बात करते हैं डायरेक्शन में, हम तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात ही करेंगे सिर्फ। आइए, ये सेकंड केस है जब वो जा रहा है परपेंडिकुलरली और फिर थोड़ा सा कहां बीच रहा है, कहां पहुंच रहा है, टेढ़ा इस तरफ, ठीक है ना, दोनों केस में। देखो पहला केस बता रहा है मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम के लिए उसको बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा सर, बिल्कुल सीधा। और सेकंड वाला बता रहा है शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ। सेकंड वाला अभी तुम्हें समझ ना आए तो कोई बात नहीं, हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट वाला समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो मिनिमम टाइम है तो उसको कैसा जाना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल कैसा जाएगा, सीधा, ठीक है। आओ, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इतना तुम अभी दिमाग में रखते हो कि ड्रिफ्ट क्या हो, जीरो, ड्रिफ्ट क्या हो, जीरो, देखेंगे देखेंगे, कोई बात नहीं। अब यहां पर देख सकते हो तुम, छोटा सा हल्का सा एग्जाम्पल, इससे भी अच्छा एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, पहले इसको करते हैं, सेम चीज है, थोड़ी बहुत थोड़ा सा फर्क है, हम इसके पहले पहले इससे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओ, यहां पर अब एक बात बताओ मेरे को, तुम खुद ही बताओगे, एक बोट है बच्चे जो कितनी स्टील वाटर में जा रही है, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से वो कैसे जाने जा रही है रिवर में, और जाने जा रही है, अच्छा रिवर की विड्थ कितनी है बच्चे, 200 मीटर, ध्यान से देखना, ये लिख सकता हूँ ना, रिवर की विड्थ 200 मीटर, सही बनाया, बिल्कुल सर। और इसके अंदर पानी भर दो सर, अब भरने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम्हें पता होना चाहिए ये रिवर है, इसकी विड्थ कितनी है, 200 मीटर। अब ध्यान से देखना, साउथ से नॉर्थ, मतलब ये साउथ है ये नॉर्थ है, यहाँ जाना जा रही है, ठीक है, रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, ड्यू 3 मीटर पर सेकंड, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट, तो राइट की तरफ है इसमें रिवर की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन, दिख रहा है, यस सर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, है ना, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दे रही, तो किसके रिस्पेक्ट में होती है, ग्राउंड, ठीक है। अब मैन स्टिल वाटर में जा रहा है, यानी स्टिल वाटर मतलब वाटर की स्पीड क्या है उस केस में, जीरो, जीरो। मैन की वेलोसिटी है, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है कितनी, 5, तो वो होती क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर रिस्पेक्ट में है दोनों, ग्राउंड। अब स्टील वाटर है तो ये तो क्या हो गया, जीरो, जीरो। तो जब भी स्टील वाटर, तो देखो VMR किसके इक्वल आ गया, V MG के, मतलब मैन की वही वेलोसिटी होगी रिवर के रिस्पेक्ट में जो उसकी किसके रिस्पेक्ट में होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कब, जब वाटर कैसा हो, स्टील, सिंपल सी बात है भाई, जब पानी ही नहीं चल रहा होगा तो पानी उसको बहा के नहीं लेके जाएगा, पानी की उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, तो ग्राउंड पे भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही दिखेगी, पानी पर भी उतनी ही दिखेगी, क्योंकि पानी तो खुद चल ही नहीं रहा, नहीं सकता, नहीं, ठीक है, इस केस में। तो अब यहां पर देखो, तो ये चाहे तुम लिख दो वी एम जी, चाहे क्या लिख दो, वी आर जी, कितना, 5 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखना, वो 200 मीटर को चल रहा है, ठीक है, रिवर करंट इतना है, In which direction it steered to cross the perpendicular to the river?
अब इन क्वेश्चन को ध्यान बाद में रखेंगे हम। देखो अब वो अगर जाना चाहता है कहाँ, सपोज करो तुम खुद यहाँ पे, अगर वो सीधा जाना चाहता था, कैसे जाना चाहता था, सीधा, तो वो कहाँ पहुंचेगा? ये मान लो ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, वो कहाँ पहुंचेगा? बी पर पहुंचेगा क्या? नो सीधा चलते, सीधा चलते बी डैश पे पहुंचेगा। राइट की तरफ होगा या वो लेफ्ट की तरफ होगा? सर राइट, राइट की तरफ होगा। तो वो जाना तो सीधा जाएगा बस, लेकिन यहाँ पहुंचेगा बी डैश पर, यहीं पहुंचेगा क्या? यस सर, ठीक है, जाना जाता था सीधा, ठीक है सर। तो इतना इसका क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाता, राइट और रॉन्ग? यहाँ तक तो क्लियर है सबको, ठीक है सर। यस सर। अब क्वेश्चन तो ना सोचो, जो लिखा होगा उसको भूल जाओ, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताना। अगर मान लो वो सीधा ही जा रहा है और 200 मीटर उसे कवर करना है, तो वो कितना ड्रिफ्ट करेगा, कोई बता सकता है मेरे को? हाँ बच्चे, प्रेरणा आपने कुछ पूछना है बच्चे? प्रेरणा कुछ पूछना है आपने? नो सर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब 5 मीटर पर सेकंड वो लेके जाता अगर सीधा, कैसे जाता उसको सीधा, तो वो पहुंचेगा बी डैश पर, इतना तो क्लियर है ना, हाँ या ना? यस सर, यस सर। तो अब ध्यान से देखना, वो सीधा लेके जाता तो मैं यहाँ पहुंचता, लेकिन अगर वो कह रहा है, ध्यान से सुनना, इन विच डायरेक्शन मट इज टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करेंट, मतलब वो चाहते हैं कि ए के बिल्कुल सामने पहुंचे, कहां, बी पर, तो इसको कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ। ये बात सबको क्लियर है ना? यस सर। तो मैं अब दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, रिवर की ऊंचाई तो वही है सर। अब ए से चल रहा है तो थोड़ा सा कहाँ चले पहले से ही, ठीक है, लेफ्ट। जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है सर? बिल्कुल उसके बी पॉइंट पे, स्ट्रेट। तो किसी एक एंगल थीटा पर वो निकले, तब जाकर कहाँ पहुंचेगा सर? बी पॉइंट पर। इतना तो क्लियर है ना हमें, हाँ या ना? यस सर, सर। आइए, तो किसी एक एंगल थीटा पर वो निकल लिया, अब वो हो सकता है कि बी पॉइंट पर पहुंचने की पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है, पहुंचेगा या नहीं अभी नहीं पता। चलो सर, थीटा, अब ये थीटा कितना होना चाहिए ये बता, पूछा पहले क्वेश्चन में, तो इन विच डायरेक्शन इट शुड बी स्टीयर्ड। अब एक बात बताओ, इसका करने का क्या फायदा होगा तुम्हें, कैसे? अब ये बात तो तुम्हें लॉजिकली तो समझ में आ रही है ना कि उसको थोड़ा सा लेफ्ट चलना पड़ेगा तभी वो कहां पहुंचेगा, बी पॉइंट पर, क्योंकि रिवर उसको कहां धकेल रही है, कौन सी तरफ, राइट। हाँ ये तो समझ में आ रही है सौरभ बात। अब एक बात बताओ, जो बंदा, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर बंदा सीधा चल रहा होता, कैसे चल रहा होता, सीधा चल रहा होता, तो जो बंदा बाहर खड़ा होता ग्राउंड पे, उसको लगता कि वो टेढ़ा चल रहा है, ऐसा ही लगता ना, नॉर्मल है ये तो। लेकिन अभी बंदा भी कैसा चल रहा है सर, बंदा भी कैसा चल रहा है, सीधा चल रहा है, बंदा भी कैसा चल रहा है, सीधा चल रहा है, ये ऐसे जाना चाह रहा था। लेकिन अब तुम मेरे को ये बताओ कि ऐसा फिजिक्स के अकॉर्डिंग, वैसे साइंस के अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर उसको ए से बी पहुंचना है तो उसको थोड़ा एंगल थीटा पर जाना ही पड़ेगा तभी वो कहां पहुंचेगा, बी पॉइंट पर। बट ये तुम मेरे को फिजिक्स के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि ऐसा क्यों होगा कि वो चला टेढ़ा लेकिन पहुंचा बी पर? तुम सिंपल सी बात है, ये तो तुम बोल दोगे कि रिवर की क्या है, कुछ वेलोसिटी है जो उसको कहां धकेल रही है, राइट साइड में, लेकिन इसको समझते हैं क्या होगा अगर वो इस वेलोसिटी से, मान लो वी वेलोसिटी से थोड़ा सा टेढ़ा चले, तो वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चे? दो कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, वी साइन थीटा। ध्यान सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना, समझ में आ गया सर? अगर वो सीधा जाता, अगर वो कैसा जाता, बिल्कुल सीधा जाता, तो मान लो सिर्फ v वेलोसिटी से वो पहले सीधा जा रहा था, लेकिन वो क्या पहुंचता सीधा,
नहीं सर, अगर मान लो पानी पानी में पानी की वेलोसिटी होती नहीं, पानी की वेलोसिटी होती नहीं, वी आर जी जीरो, अब वो सीधा चलता तो क्या सीधा पहुंचता, हाँ या ना? यस सर। यस सर। पानी धकेलने के लिए है ही नहीं, पानी नहीं है धकेलने के लिए, तो वो सीधा निकल जाएगा। तो यानी वो टेढ़ा पहुंच किसकी वजह से रहा है? पानी की वेलोसिटी की वजह से, है ना? यस सर। पानी है वो, जो नदी है वो उसको दबाव कर रही है, तो पानी की वेलोसिटी कौन सी तरफ है? राइट राइट, इसलिए वो राइट की तरफ पहुंच जाता है ड्रिफ्ट करके। अगर पानी ना होता तो वो स्ट्रेट ही पहुंचता। तो अगर ध्यान से सुनना, पानी राइट की तरफ है, वो उसको राइट की तरफ धकेल रहा है, पानी कौन सी तरफ है? राइट की तरफ जा रहा है, तो वो उसको राइट की तरफ धकेल रहा है। तो मेरे को क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा चलूं तो मैं अपनी एग्जैक्ट पोजिशन पे क्यों पहुंच पा रहा हूं? इसी वजह से। देखो अगर टेढ़ा चला तो इसके दो कंपोनेंट, v cos थीटा और v sin थीटा। v cos थीटा इसको कहां लेके जाएगा, सीधा या टेढ़ा? v cos थीटा, देखो ध्यान से, v cos थीटा की डायरेक्शन देखो ना, कहां है, सीधी है या टेढ़ी है? सर ऊपर, वर्टिकली सीधी, अपवर्ड। v sin थीटा कौन सा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। और नदी कहां धकेल रही थी? राइट। टेढ़ा चला तो उसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट किसको अपोज करने आ गया, नदी की वेलोसिटी को। नदी कहाँ जाना चाह रही थी? राइट साइड, मान लो वी वेलोसिटी से, वी आर जी वेलोसिटी से। और मैंने अब टेढ़ा चल के क्या किया, मेरा एक और कंपोनेंट आ गया नदी को कैंसिल करने के लिए, वो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? वी यू साइन। तो अगर ध्यान से सुना, अगर v ये वेलोसिटी होती कितनी, 5 meter per second इधर की तरफ, तो ये भी अगर मान लो ये कितनी हो जाए, 5 meter, तो नदी उसको 5 meter per second इधर लेके जा रही है, मैं उसको इधर लेके जा रहा हूं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। और बंदा कहाँ जाएगा, और बंदा कहाँ चलेगा, सीधा। और वो कौन सा कंपोनेंट, समझ में आ सकती है, सब समझ में आ रही है ये बात? यस सर। अब अगर मैं फिजिक्स या कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग या मैथ के अकॉर्डिंग या वेक्टर के अकॉर्डिंग ये बात बताऊं, क्या हो गया, टेढ़ा चलने से ऐसा क्या हो गया, टेढ़ा चलने से उसके पास दो कंपोनेंट आ गए, एक कंपोनेंट तो उसको पार करवा नदी, दूसरा कंपोनेंट किसको कैंसिल कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर को। अगर ध्यान से सुनना, अगर वो एग्जैक्टली बी पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, तो ये जो टेढ़ा हमारे वाला जो मैन का कंपोनेंट है, वो एग्जैक्टली किसको कैंसिल करेगा, रिवर के कंपोनेंट, रिवर के। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ वी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वी रिवर, वी आर जी के, राइट। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वी आर जी बाई V। समझ में आ रहा है क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, V sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, V R G के। तो sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, V R G upon V। V क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्लियर है क्या, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। किसी को कोई डाउट, पक्का, हाँ या ना, बोलो 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 बोलो, कहाँ से समझाएं बताओ, क्या चीज समझ नहीं आई, पॉइंट बताओ ना, कौन सा पॉइंट बताऊं बच्चे, कहाँ से बताऊं, बोलो सर। ये जो भी v cos थीटा वाला किया हमने, देखो वेलोसिटी रिवर के दो कंपोनेंट थे, एक तो v cos थीटा और एक v sin थीटा, सॉरी रिवर इसको कहां धकेल रही थी बताओ मुझे, रिवर इसको कहां धकेल रही थी बच्चे बताओ, मैन को किसने पूछा था, हैंड रेस करोगे एक बारी बच्चे, मुझे बताओ तो दो, हाँ परमिंदर, परमिंदर मुझे ये बताओ कि रिवर मैन को कहां धकेल रही थी जब मैन स्विम कर रहा था, तो सर ये क्वेश्चन नहीं समझा सर, ये नेटवर्क इशू की वजह से सर, फिर आवाज कट कट के आ रही थी। अच्छा बाकी कोई बताना चाहेगा, रिवर मैन को कहां धकेल रही थी, राइट सर, सब समझ में आ रहा है ना, राइट। तो देखो बच्चे, तो मैन चल रहा था सीधा, तो मैन को रिवर कहां धकेल रही थी, राइट साइड।
ठीक है, तो इसलिए मैन को जहां पहुंचना चाह रहा था उससे थोड़ी सी राइट की तरफ पहुंच जाता था। तो हमने कहा अगर उसको बिल्कुल सीधा पहुंचाना है, हाँ प्रेरणा, अगर उसको बिल्कुल सीधा पहुंचाना है तो थोड़ा सा क्या चलना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट, है ना, लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा। तो मैं यही बता रहा हूं कि लेफ्ट की तरफ चलने से, लेफ्ट की तरफ चलने से ऐसा क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट पहुंचेगा? भाई लेफ्ट की तरफ चलने से, किसी एक एंगल पर चलने से उसके कितने कंपोनेंट आ जाएंगे वेलोसिटी के? दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट है जैसे यहाँ पर वी कोस थीटा, वो तो उसको कहां लेके जाएगा, रिवर को पार करवाने के लिए। लेकिन जो वी साइन थीटा है वो किसकी वेलोसिटी को कैंसिल करेगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। रिवर की वेलोसिटी के कारण ही वो अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहा था। तो वी साइन थीटा किसको कैंसिल करने के लिए आ गया? रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल करने के लिए आ गया। इसलिए मैंने लिखा वी साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई, सिंपल। ठीक है, तो अब तुमसे कोई पूछे थीटा क्या होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट बी पॉइंट पर लिखे, तुमने कुछ नहीं करना। मैन की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको किसके इक्वल रख देना है? सिर्फ रिवर की वेलोसिटी। जैसे जैसे अभी बताते हैं, देखो कैसे। इसने यही पूछा था ना कि इन विच डायरेक्शन इट शुड स्विम टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट, मतलब ए से स्टार्ट हुए और कहां पहुंचे, बी पर। तो तुमने क्या करना है सर, सिंपल मैन, इसके अब दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी, अगर ये वेलोसिटी वी है साइन थीटा, वी साइन थीटा, और ऊपर वाला क्या होगा, v v cos theta। हाँ सारे बोलो, वेरी गुड। और ये आ गया अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर इसको a से b पर पहुंचना है तो v sin theta किसके इक्वल होना चाहिए, v वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और v है कितना, मैन की वेलोसिटी कितनी है, देखो मैन कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 5 meter per second। 5। साइन थीटा नहीं पता मेरे को, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रही है, कितनी है, 3 meter per second। तो साइन थीटा क्या हो गया बच्चों, 3/5। तो थीटा निकालना हो तो थीटा भी निकल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। तो इस डायरेक्ट इस एंगल पर चलो कि वो सीधा कहाँ पहुंच जाए, ए से बी पॉइंट पर, बी पॉइंट। किसी को इस पॉइंट में दिक्कत है क्या? नो सर। आपका देख लो, देख लो, किसी को कोई भी पॉइंट में दिक्कत है मेरे को मेंशन कर दो, सर मेरे को ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, अभी बता दूंगा। 2 मिनट है, इसको अच्छे से देख लो, फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ समझ रहे हैं हम, कल क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इमेजिन मैं 2 मिनट जो दे रहा हूं उसमें क्या सोचना है, बंदा कैसे चल रहा था, कहां पहुंचा है, अगर ऐसा चल रहा है तो ऐसे क्यों पहुंचा है, कौन से कंपोनेंट कैंसिल कर रहे हैं किसको, वो सोचो। 2 मिनट अच्छे से लो और फिर करो। लो मैंने करा है कैमरा बंद, और सोचो सोचो अपने आप। चले क्लियर है सबको, चल सकते हैं आगे। अब किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है मेरे से। सर वी साइन थीटा क्या कर रहा था? वी साइन थीटा, देखो वी साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, तो वो किसके अपोजिट है सर? डायरेक्शन। हाँ हाँ सोचो सोचो सोचो, रिवर के। रिवर कौन सी साइड जाना चाह रही थी, राइट की तरफ, रिवर राइट की तरफ, लेकिन वो हमारा वी साइन थीटा कहाँ लेके जा रहा है उसको, सर लेफ्ट, मैन को लेफ्ट। तो जो जितनी मान लो रिवर राइट में जा रही थी उतना ही अगर वी साइन थीटा हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, राइट और लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो सिर्फ एक कंपोनेंट बच जाएगा, कौन सा, वी कॉस थीटा, और वो कहाँ लेके जाएगा, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में। डन, चले
आइए, अब वो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा रिवर को परपेंडिकुलर पहुंचने में। परपेंडिकुलर पहुंचने का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में, ए से लेकर कहां तक, बी पॉइंट तक पहुंचने में, तो कितना लगेगा तुम बताओ टाइम। मैंने तुम्हें टाइम का एक हिंट दिया था, क्या था वो हिंट? डिस्प्लेसमेंट। मैंने एक चीज बताई थी टाइम के लिए, अगर टाइम निकालना है तो क्या, हाँ डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी तो ठीक है। यस सर। लेकिन कुछ चीज क्या बताई थी मैंने, डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी ना, मतलब या एक्स या वाई जिसमें भी, तो उसी डायरेक्शन में हम वेलोसिटी को लेंगे। वेरी गुड। जिस डायरेक्शन में तुम टाइम वो देखोगे, क्या देखोगे, वेलोसिटी देखोगे, उसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट देखनी है। टाइम की डायरेक्शन तो ना डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की होगी, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लोगे उसी डायरेक्शन में लोगे वेलोसिटी। अच्छा मैं थोड़ा सा अभी ट्विस्ट करूंगा, लेकिन अभी के लिए बहुत आसानी से देख लो। अगर मैं राइट की ऊपर की तरफ, मेरे को पता है कौन सा डिस्टेंस पता है, तुम एक बात बताओ मेरे को कौन सा डिस्टेंस पता है मेरे को, वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला? सर वर्टिकल। वर्टिकल, वर्टिकल रिवर कितनी दे रखी है वाइड विड्थ उसकी? 200। तो वी वाई मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, यानी x y डिस्टेंस दे रखा है कितने, 200 मीटर। तो वेलोसिटी भी कौन सी लूंगा, वर्टिकल वाली। वर्टिकल तो वो कितनी है देखना, वर्टिकल वेलोसिटी v y कौन सी है देखो, मैन की वेलोसिटी वर्टिकल कितनी है, क्योंकि मैन ने क्रॉस करना है, v 5 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखो, 5 मीटर से तो वो चलेगा थीटा एंगल पर। देखो डायग्राम में देखो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, cos थीटा v cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी तो यही है ना, ये ना वर्टिकल है ना ये हॉरिजॉन्टल है, और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये भी हॉरिजॉन्टल हो गई, और ये ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, तो वर्टिकल कितनी है सिर्फ v cos थीटा। cos थीटा ये वेलोसिटी हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, तो टाइम क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी सॉरी 200 बटे u cos थीटा v cos थीटा। ठीक है तो 200 तो 200 लिख देंगे, v जो भी आई वैल्यू v की हमें नहीं पता, v तो गिवन है 5, cos थीटा नहीं गिवन, लेकिन v तो गिवन है ना 5, देख लो 5 वेलोसिटी है ना, cos थीटा नहीं गिवन, cos थीटा हम निकाल देंगे, sin थीटा अगर 3/5 है तो cos थीटा क्या होगा, sin 5/3 है, तो देखो sin थीटा 3/5 है तो 3 क्या होगा उसका बेस, बेस परपेंडिकुलर, और 5 क्या होगा उसकी हाइट। समझते हो ना, ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं ये चीज, अब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर वो 3/5 है तो परपेंडिकुलर कौन होगा 3, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी 5, तो जो बेस होगा वो क्या होगा, कर दो 25 में से 9 माइनस का, उससे इसका अंडर रूट क्या आएगा, पाइथागोरस लगा दो यहाँ पर, बेस क्या आएगा 4, तो कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 4 upon base upon क्या 5, means कितनी है 5, तो इस 5 से ये 5 कट गया, 4 को 200 पे काटोगे तो क्या आएगा 50 मीटर पर सेकंड है, तो पर सेकंड आंसर में आ जाएगा, क्लियर है, तो 50 सेकंड, अगर मिनट्स की मिनट्स में दे रखी है वेलोसिटी तो मिनट्स में, सेकंड में है तो यहाँ पर सेकंड, 50 सेकंड में वो क्या कर लेगा रिवर को लेकिन हॉरिजॉन्टल में तुम्हें डिस्टेंस का नहीं पता, अगर हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस पता होता तो मैं हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी भी यूज कर सकता, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज होगी, अब क्योंकि दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को क्या कर रही है, अगर कितनी डायरेक्शन में वो रिवर को क्रॉस करे, मतलब अभी थीटा की वैल्यू ही पूछ रहा है वो, पहले थीटा की वैल्यू पूछ रहा था, इस बताओ कि जब वो ए से स्टार्ट हो और सीधा कहाँ पहुंचे,
बी पर, तो हमने बता दिया थीटा क्या आया है 3/5, ये एंगल 37 बनता है ना 37 का, तो थीटा क्या हो गया 37, याद है ना ये ट्रायंगल मैंने बताया था 37 डिग्री। अगर 37 डिग्री पर वो चले तो ए से चलकर वो सीधा कहाँ पहुंचेगा बच्चों, बी पॉइंट पर, बी पर। लेकिन अब वो कहता है कि कैसे वो डिस्टेंस को, मतलब जिस किन कौन सी डायरेक्शन में चले, थीटा क्या हो कि वो जो रिवर को पार करे वो कितने टाइम में करे, मिनिमम टाइम, कितने टाइम में करे, मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम। अच्छा, अगर मिनिमम टाइम में करना है, वो कहता है मेरे को नहीं मतलब कि ए से बी पर पहुंच रहा है या ए से बी डैश पर पहुंच रहा है, वो कहता है जब टाइम जो हो रिवर को पार करने के लिए, भाई बी भी रिवर के पार ही है पॉइंट, और बी डैश भी क्या है, रिवर के उस पार है, तो कहता है चाहे तुम बी पर पहुंचो चाहे तुम बी डैश पर पहुंचो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिवर जो पार हुए वो कितने टाइम में हो, मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम में। तो हमने कहा कोई बात नहीं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख देते हैं, टाइम पीरियड के लिए अभी फॉर्मूला क्या लगाया था, डी बाई वी कोस डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और इस केस में यही लगाया था ना, डी अपॉन वी कोस थीटा। तो अगर टाइम को मिनिमम करना है तो जब आंसर मिनिमम तब आता है जब डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा या छोटा, छोटा है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है सर, बड़ा, छोटा, बड़ा, तो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी वैल्यू क्या होगी, छोटी, डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू छोटी, तो इसलिए वी को, अगर टी को मिनिमम होना है तो वी कोस थीटा को बड़ा होना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो वी तो कांस्टेंट है 5, तो कोस थीटा को बड़ा होना पड़ेगा, मैक्सिमम कोस थीटा कितना हो सकता है 1, है ना, और वो थीटा कितने पे होता है, कोस थीटा 1, कोस की वैल्यू 1 कब आती है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा 0 होना पड़ेगा तब टी क्या होगा, मिनिमम, तो मतलब वो देखो उसको कैसा कैसा, ये थीटा 0 का मतलब वो ट्रेवल, वो स्विम भी कैसा करके जाए, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, थीटा 0 होने का मतलब यही हो गया ना, ये चीज खत्म बिल्कुल, तो वो कैसा स्ट्रेट, कैसा स्विम करके जाए, बिल्कुल स्ट्रेट, तो अगर वो सीधा स्विम करने लगेगा तो वो पहुंचेगा तो नहीं अपनी जगह पर, पहुंचेगा थोड़ी सी राइट, लेकिन वो जो पार करने का टाइम होगा वो कैसा होगा, मिनिमम, समझ में आ रहा है सबको, देख लो देख लो क्या बोल रहा है सर, वो थीटा 0 का मतलब समझ रहे हो, पहले यहाँ पर बताओ, थीटा 0 का मतलब हो गया ये ग्रीन वाली लाइन बिल्कुल कहां पर आ गई, येलो वाली लाइन के ऊपर, ग्रीन वाली लाइन बिल्कुल कहां पर आ गई, येलो वाली लाइन, अगर 0 है तो थीटा अगर 90 होता तो ये येलो वाली लाइन और ये ग्रीन वाली लाइन, इनके बीच में एंगल कितना है पूरा 90, तो कह रहा है थीटा 0 हो जाए, जहां पर ग्रीन वाली लाइन चल के कहां आ जाएगी, येलो वाली लाइन, तो मतलब बंदे को भी कैसा चलना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट स्विम करना पड़ेगा, अब स्विम स्ट्रेट करेगा तो क्या वो बिल्कुल बी पॉइंट पर पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा, तो उसने कहा बिल्कुल मतलब भी नहीं है, वो बी पर नहीं पहुंचेगा, वो बी डैश पर पहुंचेगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जो ट्रेवल करके जो उसको टाइम लगेगा नदी को पार करने में वो कैसा लगेगा, अब मिनिमम, क्या लगेगा, मिनिमम, मिनिमम, जरूरी वो पक्का है कि ये बी पर तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो बी पर पहुंचे या बी डैश पर, बस टाइम क्या लगना चाहिए, मिनिमम, तो अब याद रखना मिनिमम. अगर मिनिमम टाइम पीरियड है तो थीटा क्या होगा वर्टिकल के साथ, कितना एंगल, 0, 0, ठीक है, सबको क्लियर है, यस सर, अब अगर थीटा 0 हो गया, ध्यान से सुनना, थीटा क्या हो गया, जीरो, तो अब वो कितना ड्रिफ्ट करेगा ये पूछ रहा है, अब पक्की बात है भाई थीटा 0 हो गया, वो सीधा चलने लग गया, सीधा चलने लग गया तो क्या सीधा पहुंचेगा क्या, नो सर पी डैश पर पहुंचेगा, तो ये ड्रिफ्ट कितनी आएगी, अब उसने ये पूछा है, अब ये लास्ट पार्ट है, बस ये लास्ट चीज है, ये कोई बता सकता है तो बताओ, ड्रिफ्ट तुम्हें पता है ड्रिफ्ट का मतलब कौन सी डायरेक्शन है, एक्स में है ना, एक्स में, तो ड्रिफ्ट का डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में है, ड्रिफ्ट मतलब कौन सी डायरेक्शन में पूछा ये, एक्स में, एक्स में, डिस्टेंस मान लो कितना ड्रिफ्ट हुआ, एक्स,
तो वही स्पीड वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम डिस्प्लेसमेंट है एक्स, टाइम देखना है, टाइम मेरे को पता लग गया लेकिन देखूंगा कितना। अब टाइम मिनिमम है या मैक्सिमम है सर? मिनिमम है, तभी आइए टाइम कैसा है मिनिमम है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी लेंगे, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट एक्स में देख रहा हूँ तो वेलोसिटी भी किस में देखूंगा? एक्स में। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी भी किस में देखूंगा? एक्स में। ध्यान रख, तो टाइम मिनिमम, तो वेलोसिटी एक्स में कितनी होगी कोई बता सकता है देख के, ध्यान से सोच के, ध्यान से सोच के। अगर ये चीज समझ भी नहीं आएगी तो कल रिपीट कर देंगे, लेकिन अभी समझ के जाओ थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट। हाँ बच्चे बताओ सर, थ्री एक्स में कितनी होगी वेलोसिटी? थ्री। कैसे पता लग रहा है सर? सर क्योंकि क्योंकि वो खुद तो कहाँ जाना चाह रहा है? सीधा। और उसकी यानी 5 मीटर पर सेकंड, अब उसकी कौन सी डायरेक्शन में होगी? वेलोसिटी वर्टिकल, वर्टिकल में। लेकिन एक्स में भी उसकी वेलोसिटी होगी, किसकी वजह से होगी एक्स में वेलोसिटी? सर रिवर की वजह से, पानी की वजह से। और वही वेलोसिटी एक्स में है तो वो रिवर में, तो एक्स में वेलोसिटी कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड। वी की जगह लिख दूंगा 3, एक्स की जगह निकालना है टाइम मिनिमम। टाइम का भी फॉर्मूला लिखा था सर, डी अपॉन में वी कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 यानी 1 हो गया था, तो टाइम मिनिमम क्या आया था? डी। ये चीज तो 1 हो गई तो सिर्फ क्या रह गया नीचे? वी। तो टी मिनिमम निकालना है, कितना था डिस्टेंस वर्टिकल, कितने मीटर की थी रिवर? 200। और वेलोसिटी कितनी थी उसकी? 40। टी मिनिमम की जगह रख दो 40, तो एक्स कितना आ गया? 120। तो मतलब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भाग मत जाना, ये रैप अप कर रहा हूँ, सबको समराइज कर रहा हूँ। तो यानी अगर वो स्ट्रेट जाना चाहेगा तो वो पहुंचेगा तो मिनिमम टाइम पर, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन से कितने मीटर दूर पहुंचेगा? 120 मीटर। और अगर उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो उसको कितने एंगल पर चलना पड़ेगा? 37 डिग्री। समझ में आ रही है चीजें सारी? ये है रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, हम आगे और भी करेंगे। आज का कंसेप्ट सिर्फ समझने के लिए था कि कब उसका ड्रिफ्ट है, कब उसका मिनिमम टाइम है, कब उसका शॉर्टेस्ट पाथ है। क्लियर है सबको? शॉर्टेस्ट के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या होगा सर? रिवर की जो वेलोसिटी है उसको मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। अभी तो उस वो जहां पहुंचना चाहता है वही पहुंचेगा, तो ड्रिफ्ट कितना होगा उस केस में? 0। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ड्रिफ्ट 0, उसकी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी कैंसिल करेगी, और उसको कौन लेके जा रहा होगा आगे? सिर्फ वी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ध्यान रखना, ये चीजें बहुत सेंसिटिव थी ना चीजें, ध्यान रखने वाली। एक्स है तो एक्स लेना है, वाई है तो वाई लेना है। तो मैं अभी कुछ भी रब नहीं कर रहा, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख के तुम्हें भेजूंगा एग्जैक्टली, ठीक है? तो इसको अच्छे से देखना आज के लिए, और हो सके तो ये क्वेश्चन ट्राई करके आना, हो सके तो, ठीक है? हो सके तो ये नहीं हो करेंगे, लेकिन ट्राई जरूर करना। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके सर, बाकी ओके, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय बाय सर, रिवाइज करना। हाँ गुड नाइट सर, बाय सर, गुड नाइट, गुड नाइट। आज लास्ट में बच्चे ज्यादा हो गए थे वैसे, चलो बढ़िया।